if complex potential is w equals to minus m by 2 z square e power 2 iota m t, then path lines are given by this. ठीक है, और इसमें यह भी पूछा जा सकता है, also find lines of motion, lines of motion और stream lines. ठीक है, तो lines of motion कैसे, अगर हम phi और psi हम लोग निकाल पाए then we are done, क्योंकि psi equals to c will be the stream line. ठीक है, तो हमें W जो गया है, W क्या होता है, phi plus iota psi, this is given as minus m by 2 x plus iota y का स्क्वायर e की पावर 2 iota mt. और अगर इसको पोलर फॉर्म में ले जाए, ऐसा है पोलर फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, ये phi plus iota psi is equals to minus m by 2, this is r e की पावर iota theta. ठीक है, पोलर फॉर्म में x plus iota y can be written as r e की पावर iota theta. ठीक है, where r is, r square is x square plus y square and theta is tan inverse y by x. ठीक है, सिंपल है, तो सो इसका r इसका स्क्वायर है, सो दिस इज स्क्वायर, दिस इज 2 e की पावर 2 iota mt. और वी कैन से दैट phi plus iota psi is minus m by 2 r square e की पावर iota 2 iota ले लेते हैं बार theta plus mt. ये आ गया हमारे पास. अब इसके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर देते हैं. सो phi क्या हो जाएगा, phi इज माइनस m by 2 r square cos 2 theta plus mt and psi will be minus m by 2 r square sin 2 theta plus mt. ठीक है, सो दिस दिस इज द वेलोसिटी पोटेंशियल, दिस इज द स्ट्रीम फंक्शन. सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम lines is given by psi equals to some constant. So, isko we can say minus m by 2 r square sine 2 theta plus 2 mt equals to some constant. Or we can say that m to vaise bhi constant hai. So, r square sine 2 theta plus 2 mt equals to c. This is the equation of a streamline in polar form. ठीक है. So, is the required equation of streamline or equation of motion in polar form. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सेकंड पार्ट है पाथ लाइंस. पाथ लाइंस पूछी गई है हमें. ठीक है, सो पाथ लाइन क्या होती है, पाथ लाइन की इक्वेशन तो वी हैव डिस्कस्ड. ठीक है, ये क्या होता है, बेसिकली डी आर वेक्टर और डी टी इज इक्वल टू क्यू वेक्टर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन. तो यहां पे जो है फाई हमारे पास क्या आ गया, फाई से विल सी फाई इज माइनस एम बाई टू कोस माइनस एम बाई टू आर स्क्वायर कोस टू थीटा प्लस टू एम टी. ठीक है, दिस इज फाई. सो देखो, अगर वी नो कि जो रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है वो क्या आएगी, डेल फाई ओवर डेल आर माइनस, एंड क्यू थीटा क्या आएगी, माइनस डेल फाई ओवर आर डेल थीटा. ठीक है भाई, क्यू इज नथिंग बट, क्यू वेक्टर इज नथिंग बट ग्रेडियंट ऑफ फाई, तो पोलर फॉर्म में इसकी ग्रेडियंट क्या होगी, डेल फाई डेल आर आर के माइनस वन बाई आर डेल थीटा, ये आर्क लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा. सो ये हो गया, सो कंपेयर करेंगे तो दिस दिस इज क्यू आर दिस इज क्यू थीटा. अब ये क्या हो जाएगी, माइनस एम बाई टू ऐसे रहेगा, विद रिस्पेक्ट टू आर कर रहे हैं तो आर स्क्वायर हो गया टू आर कोस टू थीटा प्लस टू एम टी. ठीक है, और इसमें माइनस वन बाई आर माइनस एम बाई टू आर स्क्वायर कोस का अगर करेंगे तो साइन टू थीटा प्लस टू एम टी, विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट किया सो माइनस आएगा बाहर, ये हो गया प्लस, और डिफ्रेंशिएट किए हैं तो टू टू से मल्टीप्लाई भी हो गए. ठीक है, बस अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो क्यू आर तो क्या होगा, माइनस एम आर कॉस टू थीटा प्लस टू एम टी, एंड क्यू थीटा इज टू से टू गया, एक आर भी गया माइनस, अच्छा माइनस तो डेल फाइव और डेल आर, माइनस ये और एक माइनस ये तो प्लस हो गया,
सो दिस इज प्लस बट यहां पे माइनस है, एम आर साइन 2 थीटा प्लस 2 एम टी। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। ओके, अब देखो क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, क्यू आर जो है अगर पोलर फॉर्म की बात करें तो ये थीटा है, ये आर है, ये जो लेंथ है इस डायरेक्शन में जो आर्क लेंथ होगी वो आर डी थीटा होगी, तो क्यू आर इज नथिंग बट डी आर ओवर डी टी। ठीक है, और इसको वी कैन राइट आर डी थीटा ओवर डी टी। ठीक है, दिस इज बाय द डेफिनेशन वी कैन से कि जो रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी दैट विल बी चेंज इन द रेट ऑफ आर, और जो थीटा की डायरेक्शन में होगी तो चेंज इन आर डी थीटा। ठीक है, बस अब इसको सोल्व कर देना है, यहां से देखो आर से आर कैंसिल हो गया, सो डी थीटा ओवर डी टी इज माइनस एम साइन 2 थीटा प्लस 2 एम टी, ये आ गया हमारे पास। और डी आर ओवर डी टी क्या आ रहा है, एम आर कॉस 2 थीटा प्लस 2 एम टी, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इनको हमें सोल्व करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो थीटा इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड जो आर है वो भी फंक्शन ऑफ टाइम है, तो इस पार्ट को वी कैन नॉट ट्रीट एज ए कांस्टेंट। ठीक है, तो लेट 2 थीटा प्लस 2 एम टी इक्वल्स टू लेट अस से जेड, तो अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट किया जाए तो दिस इज 2 एम इक्वल्स टू डी जेड ओवर डी टी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सो इसमें देखो अगर इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट की जाए इसको लेट अस टेक 2, सो बेसिकली थीटा प्लस एम टी को हमने जेड ले लिया। ठीक है, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, डी थीटा बाय डी टी की जगह वी कैन राइट डी जेड और डी टी माइनस एम राइट इक्वल्स टू माइनस एम साइन 2 थीटा प्लस एम टी जेड, और इसको वी कैन राइट डी जेड और डी टी इक्वल्स टू एम टाइम्स 1 माइनस साइन 2 जेड। अब ये तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होगी, इसको वी कैन सोल्व, सो इसको वी कैन सोल्व डी जेड डिवाइड बाय 1 माइनस साइन 2 जेड एम डी टी। ठीक है, इसको देखो 1 माइनस साइन 2 जेड को वी कैन राइट 2 1 प्लस 10 स्क्वायर जेड ऐसा लिख सकते हैं, एम टी प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, और इसको वी कैन राइट sec स्क्वायर जेड डी जेड 1 प्लस 10 स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 1 प्लस 10 स्क्वायर जेड माइनस 2 जेड इसका मतलब 1 माइनस 10 जेड का होल स्क्वायर दैट इज एम टी प्लस सी। अब सिंपल इंटीग्रेशन है। ठीक है, इसको वैसे भी कर सकते थे 1 प्लस साइन जेड 2 जेड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके वैसे भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। अब 1 माइनस 10 जेड को अगर अल्फा बोला जाए तो माइनस sec स्क्वायर जेड डी जेड इक्वल्स टू डी अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस डी अल्फा डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर दैट इज एम टी प्लस सी, और दिस इज 1 बाय अल्फा, 1 बाय अल्फा, अल्फा क्या 1 माइनस टेन जेड दैट इज एम टी प्लस सी। ठीक है, तो जेड की वैल्यू पुट कर दी जाए, सो 1 माइनस टेन थीटा प्लस एम टी इक्वल्स टू एम टी प्लस सी। अब ए टी इक्वल्स टू जीरो जो थीटा है लेट अस से वो थीटा नोर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा नोर इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो इसको वी कैन राइट एम टी प्लस सी की जगह 1 माइनस टेन थीटा नोर, लेट अस कॉल दिस इक्वेशन 1। ठीक है, ओके, सो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। अब हमें प्रूव करना है कुछ इसी टाइप का, हमें प्रूव क्या करना है, आर कोस एम टी माइनस एक्स नोर। ओके, अभी हमने एक ही इक्वेशन यूज की है डी आर ओवर डी टी, ये वाला पार्ट तो भी हमने यूज किया ही नहीं, सो डी आर ओवर डी टी जो है ये क्या है डी आर ओवर डी टी
इज इक्वल्स टू एम आर कोस 2 थीटा प्लस 2 mt, ऐसा है, ठीक है। और हमने थीटा प्लस mt को जेड बोला है, ठीक है। तो अगर डी आर ओवर डी टी, जो आर है इट विल बी फंक्शन ऑफ जेड, अगर ऐसा बोल दिया जाए डी आर ओवर डी जेड, डी जेड ओवर डी टी ऐसा बोल सकते हैं। सो डी आर ओवर डी जेड, डी जेड ओवर डी टी किया जाए तो क्या आएगा, डी थीटा ओवर डी टी प्लस एम, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। बिकॉज जो जेड है दैट इज ए फंक्शन ऑफ टी, ठीक है। बिकॉज आर और थीटा तो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, ठीक है। सो आर डेल आर और डेल थीटा का तो कोई मीनिंग बनता नहीं है, तो डी आर ओवर डी जेड इंटू डी जेड ओवर डी टी, ठीक है। सो ये डी आर ओवर डी टी की जगह वी कैन राइट दिस, राइट। तो अब देखो अगर ये यहां पे पुट किया जाए, ओके, एम कॉस, ओके एम आर कॉस डेल आर डेल जेड, ओके। सो हमारे पास क्या है, डेल आर ओवर डेल टी इज इक्वल टू एम आर कॉस 2 थीटा प्लस 2 mt, ये हमें गिवन है। और थीटा प्लस एम टी को हमने जेड बोल दिया है, सो डी आर ओवर जो डी टी है दैट हैज कम आउट टू बी डी आर ओवर डी जेड, एंड डी जेड ओवर डी टी हो गया डी थीटा बाई डी टी प्लस एम, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे रख दी जाए, डी आर ओवर डी जेड डी थीटा प्लस डी थीटा ओवर डी टी प्लस एम इक्वल टू एम आर कोस 2 जेड, ठीक है। अब डी थीटा ओवर डी टी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो डी आर ओवर डी जेड इक्वल टू माइनस एम साइन 2 जेड प्लस एम इक्वल टू एम आर कोस 2 जेड। अब ये भी सोल्व, वेरिएबल सेपरेशन हो गया ये भी। सो डी आर डिवाइड बाय आर कर दो, एम से तो एम कैंसिल हो गया, एक कोस 2 जेड डिवाइड बाय 1 माइनस साइन 2 जेड डी जेड, इसका इंटीग्रेशन क्या सा है। सो देखो ये क्या हो जाएगा, एल एन आर इक्वल टू, इसको अगर टी एज्यूम कैसा है, नीचे वाले को 1 माइनस साइन 2 जेड को अगर कुछ एल्फा एज्यूम कैसा है, तो माइनस 2 कोस 2 जेड डी जेड इक्वल टू डी एल्फा। सो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी एल्फा ओवर एल्फा, सो दिस इज माइनस लॉग 1 माइनस साइन 2 जेड प्लस सी, ऐसा बोल सकते हैं। आई होप ये समझ में आता है, अच्छा यहाँ पे 2 भी तो है, सो डिवाइड बाई 2, ठीक है। सो दिस इज हाफ, और इसको वी कैन राइट एल एन आर स्क्वायर 1 माइनस साइन 2 जेड इक्वल्स टू सम एल एन सी डेस, और वी कैन से आर स्क्वायर 1 माइनस साइन 2 जेड इक्वल्स टू सी डेस, और इसको वी कैन राइट, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो 1 माइनस साइन, इसको वी कैन राइट 2 साइन जेड कोस जेड इक्वल्स टू सी डेस, और वी कैन राइट आर स्क्वायर 1 को वी कैन राइट साइन स्क्वायर जेड प्लस कोस स्क्वायर जेड, ठीक है, माइनस 2 साइन जेड कोस जेड इक्वल्स टू सी डेस, और वी कैन से दैट आर स्क्वायर साइन जेड माइनस कोस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी डेस, और वी कैन से दैट आर साइन जेड माइनस कोस जेड इज इक्वल टू सम से न्यू कॉन्स्टेंट लेट अस से डी, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। अब देखो इसमें अगर इनिशियल कंडीशन पुट की जाए, साइन जेड माइनस कोस जेड, सो आर नोर साइन जेड नोर मीन्स थीटा नोर माइनस कोस जेड नोर मीन्स थीटा नोर हो जाएगा, बिकॉज जेड जो है वो क्या है, थीटा प्लस एम टी है, सो टी इक्वल टू जीरो पे जेड नोर थीटा नोर इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई, और एक इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, सो एक तो हो गई ये इक्वेशन हमारे पास, ठीक है, एंड द अदर इक्वेशन वी हैव इज दिस, ठीक है, 1 माइनस टेन थीटा, ये इक्वेशन हमारे पास 1 डिवाइड बाय 1 माइनस टेन थीटा प्लस एम टी इक्वल्स टू एम टी प्लस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस टेन थीटा नॉट। अब देखो ये साइन कोस में है, कोस में इसको ले जाते हैं,
दिस इज कॉस थीटा प्लस एम टी डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस एम टी माइनस साइन थीटा प्लस एम टी। ठीक है, टेन को हमने साइन डिवाइड बाई कॉस कर दिया, दैट्स इट। एम टी प्लस इसमें भी सेम कर सकते हैं, कोस थीटा नोर माइनस साइन थीटा नोर। ठीक है, अब देखो हमें चाहिए जो एक्सप्रेशन हो एक्स नोर, एक्स नोर क्या है आर नोर कोस थीटा नोर, एंड वाई नोर क्या होगा वाई इज आर कोस थीटा, वाई इज आर साइन थीटा, सो साइन थीटा नोर थीटा मैन टी इक्वल टू जीरो पे ये सब वैल्यूज है। ठीक है, तो अगर इसको आर नोर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में तो कोई इश्यू नहीं है, इसको वैसे आर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हमारे पास क्या आ गया आर कोस ऐसे रख दिया जाए, चलो कोस थीटा प्लस एम टी डिवाइड बाई कोस थीटा प्लस एम टी माइनस साइन थीटा प्लस एम टी, दिस इज इक्वल टू एम टी प्लस ये क्या है एक्स नोर डिवाइड बाई एक्स नोर माइनस वाई नोर, वैल्यू पुट किया। ठीक है, और ये एक एक्सप्रेशन हमारे पास ये है, ये है साइन, ओके सो इसको चलो थोड़ा ऐसे सिंपलीफाई किया जाए, अगर इसको चलो इसको अगर आर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो देखो जो आर साइन जेड माइनस कोस जेड है उसको आर नोट साइन थीटा नोट माइनस कोस थीटा नोट लिख सकते हैं, सो फ्रॉम दिस इसको व्हाट वी कैन राइट आर कोस थीटा प्लस एम टी। ठीक है, अब देखो इसमें कोस को पहले कर देंगे तो इसमें भी कोस थीटा नोट पहले आ जाएगा तो कोई चेंज होना है नहीं। ठीक है, तो अगर इसमें देखो कोस थीटा प्लस एम टी पहले है तो इसमें कोस थीटा नोट पहले आ जाएगा, सो इसको वी कैन राइट आर नोर कोस थीटा नोर माइनस, सो फ्रॉम दिस दिस इज इक्वल टू दिस, सो हमने इसकी वैल्यू एयर पुट कर दी इक्वल टू एम टी प्लस एक्स नोर डिवाइड बाय एक्स नोर माइनस वाई नोर, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा अगेन ये क्या है, दिस इज एक्स नोर माइनस वाई नोर और वी कैन राइट आर कोस थीटा प्लस एम टी डिवाइड बाई एक्स नोर माइनस वाई नोर इक्वल्स टू एम टी प्लस एक्स नोर डिवाइड बाई एक्स नोर माइनस वाई नोर। ठीक है, बस थोड़ी मैनिपुलेशंस थी इसमें, बस ये हो गया क्वेश्चन। अब देखो इसको एक्स नोर वाई नोर से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आर कोस थीटा प्लस एम टी इक्वल्स टू एम टी टाइम्स एक्स नोर माइनस वाई नोर प्लस एक्स नोर। ठीक है, ओके, और इसको वी कैन राइट आर कोस थीटा प्लस एम टी माइनस एक्स नोर इक्वल टू एम टी एक्स नोर माइनस वाई नोर, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, और देखो हाँ यहां से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना आर साइन थीटा प्लस एम टी, अगर इसको माइनस इधर ले लिया जाए आर नोर साइन थीटा नोर को दैट इज वाई नोर राइट, वाई नोर दैट इज इक्वल टू अगर इसको इधर ले जाएंगे आर कोस थीटा प्लस एम टी माइनस आर नोर कोस थीटा नोर दैट इज एक्स नोर, सो ये जो आर कोस थीटा प्लस एम टी माइनस एक्स नोर दैट इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस एम टी वाई नोर, सो इसको वी कैन राइट आर साइन थीटा प्लस एम टी माइनस वाई नोर, बस यही हमें प्रूव करना था एंस प्रूव। ठीक है, आई होप ये समझ में आता है। तो इसमें बस हमने क्या किया डी आर और डी टी के लिए सोल्व किया, उसमें क्योंकि जेड एक नया वेरिएबल था तो उसके टर्म ने इक्वेशन बनाई डी थीटा और डी टी डायरेक्ट सोल्व हो गई, उसके बाद हमें मैनिपुलेशन करनी पड़ी बिकॉज हमें ये एक्सप्रेशन प्रूव करना था। ठीक है, सो आई होप ये समझ में आता है। सो ठीक है, यही प्रूव करना था। ओके, सो दिस कंप्लीट्स द टू डिमेंशनल फ्लो। ठीक है, इसमें हमने कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल स्टैग्नेशन पॉइंट सब डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट विल टेक सोर्सेज एंड सिंक्स, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।